हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का जो रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे आप कि आप कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होती है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। तो आईटीबीपी में टोटल जो है 248 पोस्ट निकला है हेड कांस्टेबल का, ठीक है। आगे पोस्ट के बारे में डिटेल्स देखेंगे, मेल फीमेल के लिए कितना निकला है। आईटीबीपी का जो फुल फॉर्म होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है, यानी कि नाम से क्लियर हो गया होगा कि आपको ड्यूटी जो है कहाँ देनी है, ठीक है। जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया होता है। पोस्ट नेम जो है हेड कांस्टेबल है। ऑफिशियल वेबसाइट है आईटीबीपी का, आप जाके यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में डाल दूंगा या कमेंट में, आप जाके वहां से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन होने वाला है और जो फॉर्म डालने की डेट है 8 जून से जो है फॉर्म जो है डालना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही एक बार और नोटिफिकेशन जो है डाला जाएगा लिंक पे, आपसे सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो है अभी सिर्फ पोस्ट के बारे में जानकारी है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईटीबीपी के द्वारा उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स जान लेते हैं, साथ ही पोस्टों की संख्या जान लेते हैं। यहाँ पे हेड कांस्टेबल जो मेल है उसकी टोटल जो संख्या है 135 सीट है, फीमेल में 23 है, और ये कुल मेल और फीमेल मिला के 158 है, जिसमें जनरल का मेल में 55 सीट है, एससी का 22 है, एसटी का 20 है, ओबीसी का 24 है और ईडब्ल्यूएस का 14 है, ठीक है। वहीं हेड कांस्टेबल फीमेल के लिए जो है जनरल में अनरिजर्व सीट जो है 10 है, एससी का 4 है, एसटी का 3 है, ओबीसी के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और टोटल जो है 23 सीट है फीमेल के लिए। और जो पहले से ही कार्यरत हैं आईटीबीपी में, जो लोअर पोस्ट में हैं, उन लोग यदि डालना चाहते हैं इसमें तो यहाँ पे उनके लिए भी अलग से पोस्ट जो है रखा गया है, जिसमें अनरिजर्व जो है 74 सीट है, एससी की 8 सीट है, एसटी की 8 सीट है, टोटल जो 90 सीट जो है उनके लिए जो है रिजर्व रखा गया है। यदि ऑनलाइन फॉर्म की फीस की बात करें तो वो जो है जनरल और ओबीसी को 100 रुपये लगेगा, बाकी एसटी एससी और जो वुमेन्स हैं, फिजिकल हैंडीकेप हैं, उनको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगने वाला है। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल के लिए एज जो है 18 से 25 साल, यानी मिनिमम आपका 18 साल और 25 साल आपका जो है मैक्सिमम एज मांगा गया है। वहीं जो पहले से कार्यरत हैं आईटीबीपी में उनके लिए जो है 35 साल मैक्सिमम है। आगे एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। यहाँ पे मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज जो है 25 साल मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यानी जो पहले से हैं उनके लिए जो निकला गया है पोस्ट जो है उसको 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगा एज रिलैक्सेशन में। और जो एज काउंट होगा वो जो है 1/1/2022 के हिसाब से होगा, ठीक है। मैक्सिमम 1/1/2022 तक यदि आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 25 साल है तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एज रिलैक्सेशन भी है। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन इसमें कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज है बाकी जगह से। पहले यहाँ पे फिजिकल होता है, पीटी टेस्ट होता है, पीएसटी टेस्ट, शारीरिक मापदंड टेस्ट होगा और आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा वो आगे देखेंगे। दूसरा जो है रिटन एग्जाम होता है, जो लोग जो है फिजिकल निकाल लेते हैं उसमें नंबर नहीं रहता है, वो क्वालिफाइंग रहता है, उसका जो है रिटन एग्जाम होता है। फिर स्किल टेस्ट होता है, स्किल टेस्ट में जो है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है, या तो फिर आपको हिंदी टाइप करना पड़ेगा 30 वर्ड्स पर मिनट, या तो फिर आपको इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। इंग्लिश यदि टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट जो है आपके लिए रहेगा। फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इन सब के बारे में डिटेल से बारी बारी से समझते हैं। जो पहला प्रोसेस होने वाला है पीएसटी जो है, जिसमें आपका हाइट, नॉकनी, फ्लैट फुट और चेस्ट मेजरमेंट किया जाएगा बॉयज लोगों का। तो क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया उसको देखते हैं। जनरल या एक्स सर्विस पर्सन के लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, फीमेल के लिए जो है 155 सेंटीमीटर, चेस्ट जो है
77 सेंटीमीटर मांगा गया है विदाउट एक्सपेंशन, यानी बिना फुलाए जो है 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, और एक्सपेंशन करने के बाद आपका 82। ये केवल बॉयज लोग के लिए है, ठीक है, मेल के लिए है। यदि एससी एसटी ओबीसी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का जो है 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेस्ट जो है बॉयज के लिए दिया हुआ है एसटी एससी ओबीसी को विदाउट एक्सपेंशन 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका मिनिमम 81 सेंटीमीटर रहना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर आपका सीने का फुलाव होना चाहिए। जो हिल एरिया से आते हैं, पहाड़ी एरिया से आते हैं, सेम रहेगा, जो एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है वैसे ही रहेगा, 162.5 ही रहेगा मेल का और फीमेल का जो है 150 सेंटीमीटर रहेगा। उसी प्रकार चेस्ट में भी सेम रहेगा, ठीक है। अब फिजिकल की बात करते हैं तो ये मेल के लिए है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 7:30 में, 7.5 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, एक अच्छा खासा टाइम है। वहीं लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है, 11 फीट जो है लॉन्ग जंप करना पड़ेगा मेल्स के लिए है और 3.5 फीट जो है हाई जंप, और इनमें 3-3 चांस आपको मिलेगा लॉन्ग जंप और हाई जंप में। और फीमेल कैंडिडेट को क्या करना है, 800 मीटर जो है रनिंग करना पड़ेगा, ठीक है, 800 मीटर कितने टाइम में, 4:45 में। वहीं 9 फीट लॉन्ग जंप है जिसमें 3 चांसेस है और 3 फीट जो है हाई जंप करना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट को, इसमें भी 3 चांसेस है। तो फिजिकल प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। आगे जब जिसका भी फिजिकल निकल जाएगा उसके लिए जो है एक एडमिट कार्ड ओबीसी होगा रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम में जो है क्या क्या आता है आपका, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे का जो है पेपर होने वाला है आपका जिसमें 100 क्वेश्चन होता है। ये जो है पिछले बार जो एग्जाम हुआ था उसके हिसाब से है, ठीक है। अभी जो है एक और नोटिफिकेशन जारी होगा, अभी सिर्फ पोस्ट डिटेल के बारे में नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें जो पार्ट पहला होता है जनरल अर्थमेटिक से होता है 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से जो है 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश भी रहता है 35 क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का 10 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब जिसका भी पेपर होगा साथ में आपको जो है स्किल टेस्ट दिलाना पड़ेगा, स्किल टेस्ट मतलब आपको टाइपिंग टेस्ट भी दिलाना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक दिलाना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके लिए ऑप्शनल रहेगा, आप चूज करोगे कि आपको इंग्लिश दिलाना है या हिंदी। तो इंग्लिश यदि टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपके लिए है, वहीं हिंदी टाइपिंग आप करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। कई लोगों को दिक्कत होती है कि उनको टाइपिंग नहीं आती है तो उनके लिए समय रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत आपका ले लिया जाएगा। इसके बाद लास्ट में होता है आपका मेडिकल टेस्ट, ठीक है, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मेडिकल टेस्ट में जो क्या क्या चीज़ आपको होने वाला है, आपको जो है इंटरनल बॉडी चेकअप होने वाला है और आपको जो आई साइट है, आई विजन जो है 6x6 होना चाहिए, यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। आपका जो सैलरी होने वाला है वो 21,000 से लेकर 69,100 रुपये जो है होने वाला है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो है, क्योंकि ये 12th पास है, ठीक है, मैं सारे बताना भूल गया, यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो जो है 12th पास ही मांगा गया हेड कॉन्स्टेबल में, ठीक है। तो 10th 12th और रोजगार पंजीयन अपने स्टेट का, जिस भी स्टेट से हैं आप, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है, साथ में जाति प्रमाण पत्र, निवास और फोटो लेके आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है आपको समझ में आ गई होगी। यदि आप जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।